नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं हम और आप जो साधारण लोग हैं, जो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं सामान्यतः, और दिन भर में जितनी एकाग्रता और एनर्जी के साथ काम करते हैं उतनी एकाग्रता और एनर्जी एक महान प्लेयर कैसे इस्तेमाल करता है, दिन भर में कैसे इस्तेमाल करता है। हम बात करें सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली की, तो जितनी एनर्जी हम एक दिन में 8 घंटे के कार्यों में एकाग्रता के लिए खर्च करते हैं, उतनी एनर्जी उन्हें 6 बॉल खेलने के लिए लगती है। जब वो एक ओवर प्ले करते हैं, एक ओवर खेलते हैं, तो उनका ध्यान न स्टेडियम की तरफ रहता है, न बजने वाली तालियों की तरफ रहता है, न एम्पायर की तरफ रहता है, न बॉलर की तरफ रहता है, न फील्डर की तरफ रहता है, अपने आप को भी वो भूल जाते हैं। और जब एक बॉल आती है, उस एक बॉल के ऊपर और उसकी लाइन और लेंथ के ऊपर पूरा वो ध्यान रखते हैं, और 1 सेकंड के 40वें हिस्से में उन्हें यह निर्णय लेना पड़ता है कि उस बॉल के लिए उन्हें क्या करना है। एक बार सचिन तेंदुलकर से किसी पत्रकार ने यह पूछा कि आप जब किसी बॉल पर आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या रहती है, आप क्या करते हैं ड्रेसिंग रूम में जाकर के। सचिन तेंदुलकर ने बहुत ही कामली शांता से ये जवाब दिया कि मैं जब ड्रेसिंग रूम में जाता हूं तो मैं सबसे पहले 5 या 6 बार उस गेंद को देखता हूं, रीटेक देखता हूं जिसने मुझे आउट किया था, और मैंने क्या गलती की इस बात पर मेरा पूरा फोकस रहता है, और उसके बाद मैं 2 प्रकार से उस गेंद को देखता हूं जिसने मुझे आउट किया। पहली बात तो यह कि मैं अपनी गलतियों को देखता हूं कि किस तरीके से मैं आउट होने से बच सकता था। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि उस गेंद पर मैंने क्या गलती की और किस तरीके से मैं खेल सकता था जिससे मैं अपनी विकेट बचा सकता था, यदि वो गेंद बहुत ही अच्छी हो। उसके बाद मैं फिर एक बार और देखता था, और इस प्रकार से देखता था, इस नजरिए से देखता था कि उस गेंद को मैं किस तरीके से खेलता कि मैं उसे हिट कर सकता था और उस पर मैं चौका या छक्का लगा सकता था या कुछ रन ले सकता था। और मैं उसके बाद बैट उठाता हूं और कम से कम 100 बार बिना गेंद के ही मैं उस बैट से ये प्रैक्टिस करता हूं कि मैं इस तरीके से खेलता तो मैं ना तो आउट होता और मैं इस तरीके से खेलता तो मैं रन बनाता, और उसके बाद मैं पानी का घूंट पीता हूं। ये मेरी प्रैक्टिस है। और सोचिए कि 24 साल तक इस प्रक्रिया को जिस व्यक्ति ने अपनाया होगा वो क्यों ना भारत रत्न का हकदार होगा। हमें ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से, और जीवन में प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है, हम कितना चिंतन करते हैं अपने उन कार्यकलापों के प्रति, अपनी उन गलतियों को सुधारने के प्रति, और हम कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं उन गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ने के लिए कि जिससे जीवन में हम वो गलतियों का दोहराव न करें और उन गलतियों को ही हम हमारी ताकत बना लें, क्योंकि आगे वो गलतियां हम नहीं करेंगे। ये बात हम सचिन तेंदुलकर के इस एक्शन से, उसके इस क्रियाकलाप से सीखना चाहिए दोस्तों।